back to the video. तो आज आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि वीडियो उतार दिए और मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे. तो आज हम नए एक वीडियो उतारने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत दिन से फ्री, हमारी एग्जाम चल रही थी इसलिए मैं फ्री नहीं था. और आज गणेश चतुर्थी है और उसके अवसर में मैं गणेश चतुर्थी का वीडियो बना रहा हूँ. तो ये आपको सारा सामान दिख रहा है, लाइक मैंने डेकोरेशन किया है, ये मिट्टी से बने हैं. अभी मैं आपको डेकोरेशन लाइक अब भी कर सकते हो. हम सर हर साल हम लोग ये गणेश इको फ्रेंडली मिट्टी से जो एग्रीकल्चर लैंड में आती है उस मिट्टी से गणेश बनाते हैं. फिर आप सोच रहे होगे कि ये मूषक है, पर ये भी मैंने मिट्टी से बनाया. ये लड्डू भी मैंने मिट्टी से बनाया है और ये लॉर्ड गणेश हमारे मेन वो भी हमने मिट्टी से बनाया. जब मैं छोटा था तब आपको एक बात पता है, जब मैं छोटा था ना तब लोग वो टॉयज वाले क्ले आते हैं ना उससे बनाता था, पर फिर हम लोग अभी इको फ्रेंडली क्यों बनाते हैं. और जो लोग प्लास्टर और पेरिस की मिट्टी यूज़ करते हैं ना वो लाइक चल जाती है, पर वो हमारे सी और ओशन जहाँ वो विसर्जन. सो जो लोग हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ यूज करते हैं वो ठीक है, पर जहाँ वो विसर्जित करते हैं जैसे कि रिवर और पॉन्ड उसको नुकसान पहुँचता है. उसके अंदर जो मछलियाँ होती है या कोई भी जीव जंतु होते हैं उसको नुकसान पहुँचते हैं. इसलिए बने तो हमको इको फ्रेंडली मीन्स एग्रीकल्चर मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए जो जाए कुछ भी हो. और मैंने अभी ऐसे मिट्टी से बनाया, उनको कलर किया है, कुछ प्रसाद है. डेकोरेशन में आप किसी भी स्टोर में जाओगे ना तो ऐसे बेबी क्रीम और कलर के ऐसे फ्लावर्स मिल जाएंगे. ऐसा तो सबके और होगा जैसे सब कुछ प्लास्टिक से. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2024 गणेश चतुर्थी क्योंकि 24 है और हम हर साल ऐसे ही बनाते ऐसे. फिर मैंने कुछ और डेकोरेशन किए और अभी मैं लाइक फिफ्थ में हूँ. तो ऐसा वो लाइक मैं जब आरती ऐसा उतारता हूँ तो वो लाइक हम रियल दिया यूज करेंगे ना तो वो हमारे हाथों पे लाइक हमारे हाथों को या फिर जिससे ऐसा उतर रहे तो उसको लाइक जब दिया ऐसा फैल ऐसे होगा तो जाएगा और जल जाएगा हमारा ये थोड़ा सा. तो इससे अच्छा हम लोग यूज करते इलेक्ट्रिक दिया जैसे लाइट से होता है जिससे कुछ होगा भी नहीं और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे. हमने यहाँ पे कुछ पुतले रखे, ये मूषक रस और ये धरा है वो उनकी सबसे फेवरेट गणेश जी की फेवरेट है जैसे कि कृष्णा जी की मोरपंख फिर बांसुरी और गाय पसंदीदा है. वैसे गणेश जी की मोदक और धरा सबसे फेवरेट है. तो मैंने इसको लाइक वो धरों को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब माता पाल जब गणेश जी के पेट में लावा फूल रहा था तब सारे देवा ने ट्राई किया पर उनसे कुछ नहीं हुआ. उन्होंने सब कुछ किया, गणेश जी को पानी में डाला ठंडे ठंडे में पर वो भी वो कुछ काम नहीं आया और ठंडे ठंडे पेट की हवा में नीचे भी बिठाया पर उससे भी कुछ नहीं हुआ. और जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने ये डरो उनके पेट में गिरा जिससे उसने सारा लावा अग्नि उसके अंदर खींच ली और फिर वो गणेश जी को थोड़ा अच्छा लगा. और हम लोग इसलिए एक गणेश जी का आधा फूल और आधा टूटा हुआ है क्योंकि जब एक ब्राह्मण उनको एक वरदान मिला था कि जब लाइक शिव भगवान ने उनको वरदान दिया था तो वो उनको शुक्रिया और मिलने आ रहे थे कैलाश पर्वत पे, पर फिर शिव भगवान और माता पार्वती बातें कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी को एज अ लाइक द्वार पे रखा था. सो फिर क्या हुआ और फिर गणेश जी ने वो ब्राह्मण को रोका तो इसलिए उनकी लड़ाई हो गई. और लड़ाई में गलती से जो वरदान दिया था ना वो ब्राह्मण को एक ऐसे लाइक हम लोग एक्स बोलते हैं ना एक्स वो उनको दिया था तो वो उनके एक दांत पे लग गया तो वो आधा दांत टूट गया. फिर वो आधा दांत कभी वेस्ट नहीं हुआ, वो ऐसा ब्राह्मण ने बोला था. इसलिए हमारे असल बुक में होता है कि उनका आधा दांत पूरा है और आधा दांत छोटा है कटा हुआ. तो अभी आपका टाइम वेस्ट के बिगर हमारी आरती शुरू करते हैं और आप भी एंजॉय करना.